एवरीबॉडी, आई एम पंकज सीमार एंड यू आर वॉचिंग लीगल बाइट्स। आज हम इस वीडियो में हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत छोटी सी एक्ट है, ओनली 24 सेक्शंस। तो ये जो एक्ट है इसकी एक रिविजनल वीडियो है। तो इसमें हम क्या है कि लगभग ऊपर ऊपर से सारी एक्ट को कवर करेंगे और जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। क्या है कि इसके ना डेप्थ में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इससे ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आता हरियाणा जुडिशरी के अंदर। यहाँ पे सिर्फ सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर हम देखें, इस एक्ट का नाम है हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973। तो इसकी एक खास बात हमें सही लग रही है कि 1973 को एक एक्ट और है, वो है CRPC। तो यहाँ से हमें पता चलता है, और इसको है ना गवर्नर जनरल की असेंट कब मिली थी, ये मिली थी 25 अप्रैल 1973 को। तो अब इसको याद कैसे करना है, 1973 तो हम CRPC के साथ इसको कनेक्ट कर लेंगे। अभी 25 अप्रैल को हम कैसे याद करेंगे, ये क्या है कि जो केशवानंदा भारती की जो जजमेंट थी वो आई थी 24 अप्रैल को। तो उसे जस्ट नेक्स्ट डे कौन से आई है, ये एक्ट आई है। तो 25 अप्रैल को इसको कंसेंट मिली है। तो इस एक्ट का अगर हम देखें, इसका प्रियम्बल क्या बोलता है, ये एक्ट क्यों बनाई है। प्रियम्बल हमें क्या बताता है, ये एक्ट का रीज़न क्या है, मोटिव क्या है। तो एन एक्ट टू कंट्रोल द इंक्रीज ऑफ रेंट ऑफ सर्टेन बिल्डिंग्स। तो पहली बात क्या है कि इंक्रीज ऑफ रेंट है, उनको कंट्रोल करने के लिए एक्ट आई है। एंड रेंटेड लैंड सिचुएटेड विद इन द लिमिट्स ऑफ अर्बन एरिया। तो ये क्या है कि अर्बन एरिया पे ही अप्लाई करेगी, शहरी उस पे अप्लाई करेगी और कहीं नहीं आएगी। एंड द एविक्शन ऑफ द टेनेंट देयर फ्रॉम, और साथ में एविक्शन ऑफ टेनेंट का। तो अब क्या है कि जो बड़े बड़े सिटीज हो गए, अर्बन एरिया हो गया, तो यहाँ पे क्या है कि रेंट पे है ना मकान मिलने बड़े मुश्किल हैं। अगर मिलते हैं तो लैंडलॉर्ड मनमानी करने लग जाते हैं। तो उन मनमानियों को, लैंडलॉर्ड की मनमानियों को उनसे बचाने के लिए टेनेंट के लिए एक्ट आई है। नो डाउट ये कहते हैं दोनों के लिए, हम दोनों को इक्वली ट्रीट करते हैं, ऐसे नहीं टेनेंट को कुछ ज़्यादा स्पेशल वो कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं है ना टेनेंट एक वीकर वो है कि मकान मालिक के पास होगी, आज चाहे तो आज निकाल दे उसको, ठीक है। पहले वो दूसरी सिटी से आया है, आपके घर में आया है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप कहते हैं आपका लोकल एरिया, तो आप इसको कभी मर्जी निकाल सकते हो। या ये भी हो सकता है कि तुम बहुत सारे जो लैंड ओनर्स हैं वो एक अपना अपनी कंपनी बना ले कि कहते हैं भाई इससे कम में देना ही नहीं, हमें इससे ज़्यादा देना है। तो उन सारी चीज़ों को जो एक टेनेंट फेस करेगा उनसे बचने के लिए आया है ये, कि सोशल पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। तो टेनेंट एक वीकर सेक्शन है और कहीं ना कहीं हम लैंडलॉर्ड को एक बड़ा हायर उस पर मान रहे हैं। तो यहाँ उस टेनेंट को बचाने के लिए इसे लैंडलॉर्ड से तो ये एक्ट आई हुई है। तो हमारा प्रीएम्बल ऑब्जेक्ट बता रहा है इस एक्ट का। अच्छा, और हर एक्ट का जो पहला सेक्शन होता है वो शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट होता है। तो इसका शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट क्या बोलता है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द हरियाणा अर्बन रेंट, मतलब ये नाम बता रहा है इसका, ठीक है, हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973। अब ये अप्लाई किस पे करता है, अब इसी के अंदर बता रखा है एक्सटेंट क्या, टाइटल तो इसका बता दिया, अब इसकी एक्सटेंट क्या, इट शैल एक्सटेंड टू ऑल अर्बन एरियाज इन हरियाणा बट नथिंग हेयर बीन कंटेन शैल अप्लाई टू एनी कंटोनमेंट एरिया। तो जो कंटोनमेंट एरिया हैं, जो आर्मी वाले एरिया हैं, इनको छोड़ के बाकी सारी जगह पे जितने भी अर्बन एरिया हैं हरियाणा के, उन पे अप्लाई करेगा ये। अब उसके बाद है इसका क्लोज थ्री, ये 1978 में सब्सिट्यूट हुआ है। नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू एनी बिल्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच इज कंपेल्ड ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ द 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कम्प्लीशन। अब क्या है, ये है ना उन बिल्डिंग्स को पे क्या कहते हैं नहीं अप्लाई करेगा जो अभी बने हुए, जिनको अभी 10 साल नहीं हुए हैं। अभी क्यों, मतलब इनको ऐसा क्यों दिया हुआ है 10 साल का, मतलब इन्होंने क्यों क्लोज रखा हुआ है, तो इसलिए रखा है कि लोग है ना ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग बनाए, कहीं ना कहीं बिजनेस फैले, ठीक है ना। तो इसलिए उनको 10 साल जो नहीं हुए उन बिल्डिंग के, वहाँ पर तो अप्लाई करेगा नहीं, पर बाकी सारी जगह पर अप्लाई करेगा ही, बाकी सारी बिल्डिंग्स पे जो पुरानी बिल्डिंग्स है। अब इसको है ना चैलेंज कर दिया था इस क्लोज को, मोहिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, वो तो आर्टिकल 14 के खिलाफ है, बाकियों को क्यों ऐसे ट्रीट किया हुआ है, इसको क्यों ट्रीट किया हुआ है। तो बोलते भी कहते हैं ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन के अंदर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड क्लोज है। पर अगर कहीं ना कहीं हम देखें जो ये, मतलब ये पूरी एक्ट है, अगर हम इससे ऊपर मेंस में क्वेश्चन आ जाए, तो हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा, इसको ना कनेक्ट करना पड़ेगा कि टेनेंट को तुम रहने के लिए जगह दे रहे हो तो सस्ती और मतलब एक प्रॉपर रेंट हो जिसका, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा ना हो, या कहते हैं उसको कहते हैं लैंडलॉर्ड उसके साथ कुछ गलत ना करे, उससे ज़्यादा पैसे ना ले ले, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दे रहे हैं हम टेनेंट को। तो यहाँ से हमें क्या माइंड में आता है कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइवलीहुड, तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो इसको कॉन्स्टिट्यूशन से।
फिर उसके बाद आता है इसका सेकंड, लगभग सेकंड हर एक्ट का क्या होता है, डेफिनेशन क्लोज ही होता है। तो यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बन जाता है हमारा। तो यहाँ से क्या है कि जो पहली जो डेफिनेशन है वो है बिल्डिंग के ऊपर। तो इसमें बोला है कि बिल्डिंग मीन्स एनी बिल्डिंग और ए पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग लेट फॉर पर्पस वेदर बींग एक्चुअल यूज फॉर दैट पर्पस और नॉट, इंक्लूडिंग लैंड, गोडाउंस, आउटहाउस, गार्डन, लोन, वेल्स और टैंक अपेरेंट। मतलब क्या है कि एक तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ये ऐसे ये चीज़ें होगी कि कहते हैं इसके साथ जो एक बिल्डिंग है, अच्छा उसके साथ जो भी कहते हैं एडजेसेंट लैंड है उसका, ठीक है, आउट हाउस वगैरह, गोडाउंस हो गए, तो गार्डन्स हो गए, लोन्स हो गया, वेल्स हो गया, ये सारी सारी चीज़ में इंक्लूड करेंगे। बट वट इट डज नॉट इंक्लूड, ये इसी के अंदर दिया हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, बट डज नॉट इंक्लूड ए रूम इन होटल, हॉस्टल और ए बोर्डिंग हाउस। ठीक है, तो इन पे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनका क्या है कि कहीं ना कहीं इनके लिए अलग लॉ बने हुए हैं, तो ये बिल्डिंग की डेफिनेशन के अंडर नहीं आएंगे इस एक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये रेंटेड बिल्डिंग के अंदर नहीं आएंगे, तो होटल, हॉस्टल एंड बोर्डिंग हाउस ये नहीं आएंगे। और जो बिल्डिंग के लिए क्या होगा कि वो बिल्डिंग, पर्टिकुलर बिल्डिंग और उसके साथ के अटैच जो भी है, कहते हैं वेल हो गया, आउट हाउस हो गया, गार्डन हो गया, वो चीज़ें आएंगी। उसके बाद है कंट्रोलर। कंट्रोलर मीन्स अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ए कंट्रोलर अंडर दिस एक्ट। तो जो कंट्रोलर है वो कौन होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक है, ये क्या होता है कि मतलब जो डिस्प्यूट होते हैं ना टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में, तो वह उसको कहते हैं सोल्व करने में हेल्प करता है, मतलब कहीं ना कहीं ये एक काइंड ऑफ कोर्ट की तरह काम करता है कंट्रोलर। और इसको अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है उसका। अब क्लोज सी क्या बोलता है, अच्छा लैंडलॉर्ड कौन होता है, कि लैंडलॉर्ड क्या होगा कि वो पर्सन जो एंटाइटल्ड है रेंट रिसीव करने के लिए। अच्छा, और इसमें इंक्लूड कौन करता है, इंक्लूड से टेनेंट हु सबलेट एनी बिल्डिंग। अब जो टेनेंट है, इसी ये प्री का क्वेश्चन बनता है कि जो टेनेंट है उसने सबलेट कर दी है बिल्डिंग को किससे, विद द परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड। तो अगर उसने कहते हैं सबलेट कर दिया तो वो भी एक लैंडलॉर्ड की तरह ही माना जाएगा। इंक्लूड से टेनेंट हु सबलेट्स एनी बिल्डिंग और रेंटेड लैंड इन द मैनर हेरिन प्रोवाइडेड एंड एवरी पर्सन फॉर द टाइमिंग टू टाइम डिलीवरी डिलीवर टाइटल अंडर ए लैंडलॉर्ड। ठीक है जी, उसके बाद है डी, नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग कौन सी होती है। तो इसमें क्या है क्लोज डी में कि मेनली जो पर्पस ऑफ बिजनेस या ट्रेड के लिए यूज़ होगी वो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी। ठीक है, और पार्टली जो कहते हैं वैसे ट्रेड के लिए ही यूज़ हो रही है और उसके अंदर पर एक पर्सन रह रहा है, कौन रह रहा है, जो कहते हैं वहीं पे काम कर रहा है, जो अपना ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा है, तो अगर वही बंदा वहाँ पे रह रहा है तो ये नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी। उसके बाद है डी, नॉन रेजिडेंट इंडियन, तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है डी। ये हुई है 2001 की अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। उसके बाद है प्रिस्क्राइब्ड का एक ही मीन होता है, प्रिस्क्राइब्ड जो हर उसमें एक्ट में लगभग ही होता है, प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। उसके बाद रेंटेड लैंड कौन सा होगा, जो भी लैंड है सेपरेटली जो रेंट करा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ बींग यूज प्रिंसिपली फॉर द बिजनेस और ट्रेड के लिए। अच्छा, उसके बाद है रेजिडेंशियल बिल्डिंग कौन सी होगी, जो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी, वही डेफिनेशन होगी, जैसे जो वो समन केस वो होंगे जो वारंट केस नहीं है। उसके बाद है हमारा टेनेंट। अब ये टेनेंट कौन होगा, अच्छा टेनेंट मींस एनी पर्सन, ये इंपॉर्टेंट है, टेनेंट मींस एनी पर्सन हु बाय हुम और ऑन हुज अकाउंट द रेंट इज पेबल फॉर ए बिल्डिंग और रेंटेड लैंड एंड इंक्लूड्स अ टेनेंट कंटिन्यूइंग इन पोजेशन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी। तो यहाँ पे क्या है कि जिसको कहते हैं रेंट पे दी हुई है और इंक्लूड किसको करेंगे, जो कंटिन्यू कर रहा है पोजेशन में आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी, और अगर डेथ होगी तब या उसके एयर्स उस पर्सन के, तो ये या जो स्केड्यूल में जो लिखा हुआ है तो वो सारे सारे होंगे, बट डज नॉट इंक्लूड। अब कौन कौन इंक्लूड नहीं होंगे इसमें, अच्छा अ पर्सन प्लेस्ड इन ऑक्यूपेशन ऑफ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड बाय हिज इट्स टेनेंट एक्सेप्ट विद द रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। अभी क्या होता है कि ये सबलेट की बात हो रही है कि अगर कहीं ना कहीं उसने सबलेट कर दिया है पर किसकी कंसेंट नहीं है, लैंडलॉर्ड की कंसेंट नहीं है। उसके बाद अर्बन एरिया, तो ये भी क्या है मींस एरिया एडमिनिस्टर्ड बाय म्यूनसिपल कमेटी नोटिफ, जो कहते हैं अर्बन एरिया वो होगा जो कहते हैं म्यूनसिपल कमेटी के द्वारा गवर्न होता है या ए नोटिफाइड एरिया कमेटी है जो फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स, मतलब इसको भी हम ऐड कर रहे हैं इसमें। उसके बाद हमारा आ रहा है एग्जम्पशन, ये सेक्शन अब यहाँ से मेन एक्ट स्टार्ट हो रही है हमारी। ठीक है, तो ये किस जगह पे अप्लाई नहीं करती, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो डायरेक्ट कर सकती है। ठीक है,
कुछ सारी जगह पे या कुछ जगह पे जहाँ पे प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अप्लाई नहीं करेगी, किसी बिल्डिंग पे या रेंटेड लैंड पे या क्लास ऑफ बिल्डिंग पे या क्लास ऑफ रेंटेड लैंड्स पे, ठीक है, तो सब पे या एक पर्टिकुलर उस पे, तो कौन करेगा? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एग्जेम्पशन दे सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या करती है, कंट्रोलर को भी वो करती है, अपॉइंट करती है, दूसरा क्या कहते हैं ये एग्जेम्पशन भी देती है। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट। अब कहीं ना कहीं है ना, अगर रेंट को डिटरमाइन करना है इस बिल्डिंग का क्या है क्या नहीं है, तो उसके पास है ना, तो कोई भी पार्टी है ना जो टेनेंट या लैंडलॉर्ड है ना, एप्लीकेशन देंगे कंट्रोलर को, ठीक है, तो कंट्रोलर डिटरमाइन करेगा उस बिल्डिंग का, रेंटेड लैंड का, ठीक है, और वो अब ऑपरेटिव कब से होगा, वो ऑपरेटिव होगा जब से वो एप्लीकेशन लगी है, जब से एप्लीकेशन उन्होंने लगाई है फेयर रेंट के लिए। तो अब यहाँ पे क्या है कि वो फेयर रेंट कैसे फिक्स करेगा कंट्रोलर, तो वो डिटरमाइन करेगा पहले तो बेसिक रेंट है क्या, तो वो देखेगा भी, कहते हैं जो प्रिवेलिंग, अगर वो बिल्डिंग है ना 31 डे ऑफ डिसंबर 1961 से पहले बनी है या उससे पहले कहते हैं वो हुई है, कहते हैं रेंट पे दी गई है, तो जो रेंट प्रिवेलिंग था उस लोकेलिटी में वो क्या था उस टाइम। उसके बाद है हमारा इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, जो कहते हैं 31 डे ऑफ नवंबर दिसंबर 1961 के बाद बनी है, तो उनके बीच में एग्रीड क्या है, अगर बाई चांस एग्रीमेंट नहीं है उनके बीच में, तो वहाँ पे प्रिवेलिंग कौन सा रेंट चल रहा है, तो उनको देख के कहते हैं पहले वो फेयर रेंट डिसाइड करेगा। उसके बाद क्या है कि कंट्रोलर है वो इंक्रीज भी कर सकता है उस फेयर रेंट को और डिक्रीज भी कर सकता है, पर कितना कर सकता है, नॉट एक्सीडिंग 25%, और ना ही डिक्रीज कर सकता है 25%। पर उसके बाद क्या है हमारा, अब जैसे ही कहते हैं जो कंट्रोलर है, अगर फेयर रेंट हो गया तो उस कॉम्प्रोमाइज के बीच में है ना, उन दोनों पार्टी के बीच में वो बाइंडिंग हो जाएगा दोनों पार्टी के बीच में, अगर वो जो कोई कॉम्प्रोमाइज अगर उन दोनों के बीच में आया तो कंट्रोलर क्या कर सकता है, उसको बाइंडिंग करवा सकता है। अब क्या है कि फेयर रेंट हो गया डिसाइड, अब रिविजन करवाना उनको पार्टी को, तो भैया इसमें कहते हैं जो सेक्शन 5 बोलता है, 5 से, अब कैसे याद करेंगे, 5 से 5 ईयर का याद रखना, सेक्शन 5 5 ईयर, तो 5 साल तक है ना आप कहते हैं रिविजन नहीं डाल सकते उसके भी, कहते हैं फेयर रेंट को इंक्रीज करो या डिक्रीज करने के लिए, ठीक है जी। पर हाँ, उसको इंक्रीज या डिक्रीज अलाउ हो सकता है जहाँ पे इंप्रूवमेंट हुई है या अल्टरेशन हुई है, ठीक है, लैंडलॉर्ड ने कुछ अच्छा उसमें डाला है, या फिर कहते हैं डिक्रीज अलाउड है जब कहते हैं जो कहते हैं जो उसको एमिनिटीज मिल रही थी वो कहते हैं उसने डिक्रीज कर दी है, तो मतलब कुछ इलेक्ट्रिसिटी थी वो काट दी है, मतलब जो गैस सप्लाई थी कुछ ऐसा जो भी था, या पहले उसने कहते हैं फर्नीचर दिया था उसने हटा लिया, तो अगर उसने डिक्रीज करा तो डिक्रीज हो जाएगा, पर इंक्रीज कुछ हुआ है तो इंक्रीज हो जाएगा, पर वैसे अगर सब कुछ वैसे सेम सिचुएशन है तो 5 साल तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो रट्टा मारने का क्या तरीका है, सेक्शन 5 5 ईयर्स। उसके बाद क्या है कि लैंडलॉर्ड है ना कोई भी चीज कहते हैं एक्सेस में वो नहीं कर सकता, कोई भी रेंट है या कोई भी मनी है वो एक्सेस में नहीं ले सकता जो है फेयर रेंट से, ये सेक्शन 6 बोलता है। अगर कंट्रोलर ने डिसाइड कर दिया सेक्शन 4 में फेयर रेंट है 10,000 रुपये, तो वो कहते हैं लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है कि 10,000 से 1 रुपया फालतू नहीं ले सकता, हाँ पर वो कहते हैं 1 महीने का रेंट एडवांस में ले सकता है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। अगर बाई चांस उसने कुछ ऐसा लिया या उसने कोई ऐसा एग्रीमेंट बना लिया कि 2 महीने का तुम एक्स्ट्रा मुझे दोगे, तो नल एंड वॉइड होगा वो एग्रीमेंट, और अगर बाई चांस वो कर दे तो इसके लिए स्पेशल जो सेक्शन है हमारा सेक्शन 21, वो क्या बोलता है कि 2 ईयर्स और फाइन या बोथ उसको पनिशमेंट मिल सकती है लैंडलॉर्ड को इस चीज़ के लिए। सेक्शन 22 है, सॉरी, सेक्शन 22 क्या बोलता है, 2 साल या फाइन या बोथ ये मिल जाएगा उसको पनिशमेंट। उसके बाद है सेक्शन 6 ए, ये ऐड हुआ था, सब्स्टिट्यूट हुआ था 1978 की एक्ट से, अमेंडमेंट से, तो डिपॉजिट ऑफ रेंट, तो अगर बाई चांस जो कहते हैं लैंडलॉर्ड है वो कहे मेरे को कहते हैं रेंट डिपॉजिट करना ही नहीं, मैं रेंट लूंगा नहीं, अगर वो रेंट नहीं ले रहा तो अब क्या होता है कि अगर रेंट नहीं ले रहा तो उसको ये हो सकता है टेनेंट को, अगर रेंट नहीं ले रहा तो मेरे को निकाल देगा, बाद में कहेगा मेरे को तो रेंट मिला ही नहीं, तो वहाँ पे वो क्या कर सकता है, कंट्रोलर के पास अप्लाई कर सकता है, जाके वहाँ पे उसको एप्लीकेशन के थ्रू वहाँ सबमिट कर सकता है सारा रेंट, जो कहते हैं टेनेंट है कंट्रोलर के पास जाएगा और उसको सबमिट कर देगा, और जैसे ही उसको सबमिट हो गया तो ये डीम मान लिया जाएगा कि कहते हैं लैंडलॉर्ड के पास क्या हो गया, रेंट आ गया है। उसके बाद है रेंट विच शुड नॉट हैव बीन पेड मे बी रिकवर्ड, अगर बाई चांस रेंट है अगर वो ज़्यादा पे हो गया टेनेंट से तो वो क्या कहते हैं उसको रिकवर कर सकता है, ये सेक्शन 7 बोलता है, फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, ठीक है, तो और ये क्या होगा विद इन 6 मंथ करेगा, उसके बाद नहीं करेगा,
है तो सेक्शन 7, पर यहाँ से हमें देखना है मतलब अब आपका है भी आप कैसे इस पे रटते हो, तो मैंने तो ऐसे रटा भी, कहते हैं जो भी है कहते हैं सेक्शन 6 है, ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकता अगर, और अगर ज़्यादा उसने ले लिया तो सेक्शन वही 6 महीने के अंदर उसको वापस ले लेगा सेक्शन 7 के अंदर, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 8, ये बोलता है इंक्रीज ऑफ रेंट ऑन द अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ रेट्स एक्स्ट्रा लोकल अथॉरिटी। अब क्या है कि बाय चांस अब कोई टैक्स है उस बिल्डिंग पे, वो इंक्रीज हो गया, अगर वो इंक्रीज हुआ तो टेनेंट भी क्या, वो जो लैंडलॉर्ड भी है क्या एक्स्ट्रा वो कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है उसको रेंट को। फॉर एग्जांपल जहाँ टैक्स होता रहा 1,000 रुपये, तो टेनेंट से मिलता रहा 3,000 रुपये, पर क्या हुआ कि बाई चांस उसका 500 रुपीज़ इंक्रीज हो गया जो टैक्स है, तो 1500 मेरे को देना पड़ता है टैक्स, जो हाउस टैक्स है कुछ भी है, जो लोकल अथॉरिटी अगर बाई चांस कुछ ले रही है, ठीक है, तो उनके एज पर रूल्स, तो सिर्फ मैं क्या कर सकता हूँ 500 एक्स्ट्रा ही रेंट बढ़ा सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं बढ़ा नहीं सकता। अगर बाई चांस ले लिया तो एज पर सेक्शन 22 क्या है कि 1,000 रुपीज़ फाइन किसको लगेगा, लैंडलॉर्ड को। फिर उसके बाद है लैंडलॉर्ड टू प्रोवाइड सर्टेन एमिनिटीज। अब लैंडलॉर्ड है, ये सेक्शन 9 बोलता है कि जो एमिनिटीज उनके लोकल एरिया में अवेलेबल है वो तो उसको कहते हैं देनी देनी पड़ेगी, फॉर एग्जांपल टैप वाटर की होगी, सीवेज की होगी, इलेक्ट्रिसिटी की होगी, तो अगर वो लोकल जो लोकल अथॉरिटी है उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर वहाँ पे उस एरिया में प्रोवाइड कर रही है, तो लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि अपने टेनेंट को वो प्रोवाइड करे। अच्छा, अगर बाई चांस वो ना करे तो फिर क्या करे, जो टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड को 30 डेज़ का टाइम देगा, ठीक है, 30 डेज़ का टाइम देगा कि सर नोटिस देगा कि आप इतने दिन में करवा दो, अगर बाई चांस उसने 30 डेज़ में रिप्लाई कर दिया तो ठीक है, पर उसको क्या होगा कि विद इन 3 मंथ्स, अगर उसने रिप्लाई नहीं करा तो आप सीधा कंट्रोलर के साथ जा सकते हो, अगर उसने रिप्लाई कर दिया तो आपको वेट करना पड़ेगा टोटल 3 मंथ्स का, अगर 90 डेज़ के लिए उसे वो नहीं कर पाया तो आप सीधा कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन लगा सकते। तो सेक्शन 9, अब इसका रटने का तरीका 3 मतलब 30 डेज़ एंड 90 डेज़, तो 30 डेज़ 90 डेज़ 9 9 यहाँ से आ जाएगा, और 30 डेज़ का अगर उसने रिप्लाई कर दिया तो। अब क्या है कि कंट्रोलर क्या करेगा, ऑर्डर करेगा उसको लैंडलॉर्ड को करने के लिए, अगर बाई चांस ना करे तो फिर उसमें अगर वो लैंडलॉर्ड मना कर रहा है तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं कंट्रोलर है ना, इसको ही टेनेंट को ही बोल देगा तुम ये सारी चीज़ें अपने खर्चे पे करवा लो, और उसकी थोड़ी सी एक टर्म्स एंड कंडीशन बना देगा, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए इस, अब ये नहीं, अभी कहते हैं तुम ब्रांडेड ही कुछ महंगी चीज़ें लगवा लो तो ठीक से लगवाना, मतलब इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट बता देगा उसको, इतना होगा इस एरिया के अंदर रहना है, और वहाँ पे है ना फिर कहते हैं जब अगर टेनेंट ने वो चीज़ अपने उस पे करवा लिए तो यहाँ पे जो टेनेंट है ना वो 50% तक डिडक्ट कर सकता है अपना रेंट लैंडलॉर्ड से, तो जितना उसका खर्चा आया, उसका खर्चा अगर बाई चांस 20,000 आया तो वो हर उसका रेंट क्या है कि कितना है 2,000 रुपये था, तो वो मैक्सिमम डिडक्ट कितना कर सकता है 1,000 पर मंथ डिडक्ट कर सकता है, और 1,000 रुपीज़ दे के वो उससे अपना ये सारा खर्चा निकलवा देगा। अब क्या है कि अगर बाई चांस उसने दे दी जो टेनेंट है, टेनेंट ने क्या अगर अभी कहते हैं खुद करवा लिया या लैंडलॉर्ड ने खुद वो एमिनिटीज़ दे दी, तो वो एमिनिटीज़ मिलने के बाद वो कहते हैं अपना रेंट इंक्रीज़ कर सकता है थोड़ा सा, पर अगर बाई चांस यही चीज़ कहते हैं रेंट, अगर यही चीज़ कहते हैं एमिनिटीज़ किसने प्रोवाइड करी है, टेनेंट ने प्रोवाइड करी है, मतलब एमिनिटीज़ के पैसे किसने प्रोवाइड करे, टेनेंट ने प्रोवाइड करे थे, तो यहाँ पे है ना इंक्रीज़ नहीं कर सकता रेंट को जब तक कहते हैं उसका पूरा टेनेंट को अपना पैसा रिकवर ना कर दे, उसके बाद वो कर सकता है। उसके बाद है सेक्शन 10। 9 में तो क्या बोला था एमिनिटीज़ देनी पड़ेगी, 10 क्या बोलता है भैया तुम कहते इंटरफेयर नहीं कर सकते, जो उसके पास ऑलरेडी एमिनिटीज़ हैं अभी जाकर उसकी बिजली काट दी उसको तंग करने के लिए, या सीवेज पाइपलाइन को ब्लॉक कर दिया जानबूझ के, तो ये चीज़ नहीं कर सकते, अगर तुमने किया तो 1,000 रुपीज़ फाइन है, ये सेक्शन 22 बोल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि अगर बाई चांस उसने ऐसा कर दिया तो कहते हैं टेनेंट किसके पास जाएगा, कंट्रोलर के पास जा सकता है कंप्लेंट करने के लिए, और फिर उसको कहते हैं कंट्रोलर ऑर्डर करेगा, अगर वो तब भी ना माने और या इमरजेंसी सिचुएशन है तो यहाँ पे कहते हैं कंट्रोलर वही जो टर्म्स एंड कंडीशन जो पीछे सेक्शन 9 में थी उन्हीं के हिसाब से उसको बोल सकता है कि तुम अपने खुद ही लगवा लो। उसके बाद है सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या बोलता है कि कोई भी बिल्डिंग है जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसको आप नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में नहीं बना सकते एक्सेप्ट परमिशन ऑफ कंट्रोलर, अगर तुमने करा तो एज पर सेक्शन 22 जो पेनल्टी का एक ही सेक्शन है तो वो है 1,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद है फेलियर बाय लैंडलॉर्ड टू मेक नेसेसरी रिपेयर्स, ये सेक्शन 12 बोलता है अगर बाई चांस बिल्डिंग है
उसमें कहते हैं लैंडलॉर्ड ने जो नेसेसरी रिपेयर्स नहीं करे हैं, तो यहाँ पे फिर कहते हैं मतलब नेसेसरी रिपेयर्स क्या होंगे कि ये नहीं कि स्ट्रक्चरली बिल्कुल चेंज कर दो आप उसको, और फॉर एग्जांपल ऊपर से छत लीक हो रही है, कुछ ज़्यादा ही हो रही है, ये ऐसी ऐसी चीज़ें जो कहते हैं टेनेंट को इन्जॉय करने में टेनेंट को है ना नुकसान कर रही है, इन्जॉय नहीं कर पा रहा अच्छे से, तो वहाँ पे क्या है कि वो एप्लीकेशन कर सकता है अच्छा कंट्रोलर को, और कंट्रोलर फिर वही अगर सेटिस्फाई हो गए तो वही सेम कंडीशन पिछली वाली कंट्रोलर लैंडलॉर्ड को बोलेगा, लैंडलॉर्ड ना माने तो टेनेंट तुम अपने खर्चे पर करवा लो उन्हीं कंडीशन के हिसाब से। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 13, जो एविक्शन ऑफ टेनेंट के बारे में बात करता है। इन्होंने जो सेक्शन 1 है वो क्या बोलता है कि टेनेंट अगर कोई टेनेंट है उसको है ना आप इविक्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडर दिस सेक्शन, तो मतलब जो कंडीशन है इस सेक्शन की अगर पूरी हुई है तभी आप इविक्ट कर सकते हो किसी को, वरना आप इविक्ट नहीं कर सकते टेनेंट को। अब इसके अंदर जो सेक्शन 2 है वो डिफॉल्ट क्लोज बताता है कि अगर कहते हैं टेनेंट ने डिफॉल्ट करा, और सेक्शन 3 जो सब सेक्शन 3 है इसका वो बताता है कि जब टेनेंट को अपने यूज़ के लिए चाहिए, तो ये पूरा पूरा ये सेक्शन है। इसमें जो सेक्शन सब सेक्शन 2 है इसका क्लोज 1 क्या बोलता है, अगर बाई चांस रेंट है 15 दिन हो गए उसको कहते हैं रेंट ड्यू है उसका, अगर उसने नहीं दिए तो यहाँ पे क्या कर सकता है कि जो टेनेंट है वो जो लैंडलॉर्ड है वो कंट्रोलर के पास जा सकता है कि सर इसने कहते हैं पैसे नहीं दिए तो इसको इविक्ट करवाओ आप। तो यहाँ पे अगर वो कहते हैं अगले फर्दर जो 15 दिन है अगर उसके अंदर वो टेनेंट पैसे दे दे विद 8% ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे वो दोबारा आ सकते हैं ठीक है। और इसमें ना 3 साल से ज़्यादा आप वो रेंट क्लेम नहीं कर सकते, अभी पिछला 3 साल से मतलब जो इसका लिमिटेशन है कि आप 3 साल का पिछला रेंट क्लेम कर सकते हो, उससे पीछे वाला नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है कि इसी का सब क्लोज टू क्या बोलता है, ये बोलता है कि जहाँ पे बिना रिटन कंसेंट के उसने क्या कर दिया कि सबलेट कर दिया हो ठीक है, या उसको यूज़ कर रहा हो रेंटेड यूज़ द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड फॉर द पर्पस जहाँ मतलब जिस पर्पस के लिए उसको यूज़ कर दिया था, फॉर एग्जांपल उसको रहने के लिए दिया था पर वो वहाँ पे दुकान चलाने लग गया बिना रिटन कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड, अगर उसने 2 काम कर दिए तब उसको इविक्ट करवा सकते हैं। तो ये फॉल्ट ग्राउंड है इसके, तो फॉल्ट ग्राउंड पहला क्या था कि रेंट नहीं दिया 15 दिन हो गए वेट कर रहा हूँ, दूसरा ग्राउंड क्या है इसका कि उसने क्या करा है उससे पूछा बिना परमिशन के, उसने क्या करा कि सबलेट कर दिया या जिस ग्राउंड के लिए उसको दिया था उससे अलग तरीके से उसको यूज़ कर रहा है, तीसरा क्या है कि मतलब उसने बिल्डिंग को ही नुकसान पहुंचा दिया जिससे उसकी जो वैल्यू है या यूटिलिटी है वो कम होगी, फॉर एग्जांपल दीवार ही तोड़ दी ठीक, या उसने क्या करा 2 रूम को 1 रूम ही बना दिया, 2 रूम सेट था मेरा 1 रूम बना दिया, कुछ ऐसी वो करी है। चौथा इसमें क्या है कि फॉर एग्जाम्पल जो पर्सन नेबर्स हैं उनको तंग हो रहा है, वो क्या कर रहा है कि न्यूसेंस कर रहा है, वो उसी बिल्डिंग के जो नेबर्स हैं जो कहते हैं उन्होंने कंप्लेंट करी है कि आपका पड़ोसी दिन रात लाउड म्यूजिक चला रहा है, तो यहाँ पे आप इंजंक्शन भी ले सकते हो और साथ में ये भी कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पे अगर कोई आपने घर दे दिया उसको रहने के लिए 4 महीने हो गए वो उस घर में बिना रीजन के आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे आप वो कर सकते हो ठीक है, तो उसको एविक्ट करा सकते हो उसी फॉल्ट। हाँ इसका एक एक्सेप्शन है, अगर ये बाई चांस हिल स्टेशन पे हो तब वहाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जनरली वहाँ पे तो लोग कहते हैं छुट्टियों में ही जाते हैं, पर अगर नॉर्मल जगह है तो वहाँ पे अगर 4 महीने से वो नहीं ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो हट जाएगा, तो उसको निकलवा सकते हो आप। अब क्या है अब इसमें क्या है कि जो कंट्रोलर है वो 3 मंथ का टाइम देगा उसको, 3 मंथ का क्या टाइम देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ का टाइम देगा टेनेंट को कि दोबारा अपने लैंडलॉर्ड को पोजेशन में पुट करो, मैं अपना मतलब पोजेशन खाली करो, मकान खाली करने का 3 महीने का टाइम देगा मैक्सिमम। जो क्लोज 3 है वो क्या बोलता है कि जब अपने यूज़ के लिए चाहिए, तो जहाँ पे पर्सन है उस पर्सन के पास कोई इसमें क्या क्या जो कंडीशन है, वो पर्सन के पास कोई और घर नहीं है और उसको अपने यूज़ के लिए चाहिए उस अर्बन एरिया में, तो वो वहाँ पे ले सकता है, या उसने उसको अपने बच्चे के लिए चाहिए जो कहते हैं मैरिड है या अपना बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए वो कहते हैं अप्लाई कर सकता है, या फिर कहते हैं जो लैंडलॉर्ड है और जो टेनेंट है वो ऑलरेडी कोई बिल्डिंग उसके ऑक्यूपेशन में उसी जगह पे उसी शहर में, तो वहाँ पे कहते हैं वो कह सकता है भी जब तुम्हारे पास ऑलरेडी है तो मेरे वाले उसमें क्यों बैठे हो तुम, वहाँ जाओ, या वो पर्सन कहते हैं आर्म फोर्सेज में था अब वो रिटायर हो गया तो अब उसको चाहिए, तो ये सारी जो कंडीशन है इस सेक्शन के अंदर है, तो ये सेक्शन को आप पढ़ लेना, थोड़ा सा लंबा सेक्शन है पर इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। और बाई चांस एक चीज़ इसमें दी है कि बाई चांस उस पर्सन को जो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है अगर उसको उस
पर्सन के लिए दे दिया, उन्होंने रहने के लिए उसको दे दिया, अच्छा तो वहाँ पे उसको क्या होगा कि विद इन है ना 3 ईयर्स तक उसको रखनी पड़ेगी। या एक डिफॉल्ट ग्राउंड और है कि बाई चांस उसको बिल्डिंग रिपेयर ही करवानी है कि बिल्डिंग नॉन फिट है, मतलब यूज़ करने के लिए फिट नहीं है, तो यहाँ पे अगर उसको ऐसा कुछ करना है तो यहाँ पे वो चीज़ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग टूटने वाली है सर, मेरे को कहते हैं रिपेयर करवानी है, तो यहाँ पे वो उसको कह सकते हैं आप इविक्ट कर दो और थोड़े टाइम बाद मैं इसको रिपेयर करवा लूँगा। अब क्या है कि उसने इविक्ट करवा ली किस किस ग्राउंड पे, खुद के लिए यूज़ के लिए चाहिए, या अपने बच्चा जो मैरिड हो गया उसको खुद के लिए या उसके बिजनेस के लिए यूज़ करना है, या उसको अविक्ट कराना है, या वो कोई कहते हैं आर्म फोर्सेज में था, कोई उसमें था तो रिटायर हो गया, तो उसको अपने यूज़ के लिए चाहिए, अपने अपनी फैमिली के लिए, जो क्वार्टर्स वगैरह खाली करने हैं तो अपना घर चाहिए उसको। या फिर कहते हैं टेनेंट के पास क्या है कि उसका एक और घर है यहाँ पे सेम जगह पे, तो अपना तो मेरे को अपना घर वापस चाहिए। तो अगर बाई चांस वो पर्सन उसने एविक्ट तो इस पर्पज़ के लिए करवा लिया पर उस पर्पज़ के लिए यूज़ ना कर रहा हो, तो यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जाम्पल उसने खुद के पर्पज़ के लिए, अपने बच्चे के लिए, और वो कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 12 मंथ के लिए उसको यूज़ वैसे ना कर रहा हो, या फिर कहते हैं उसने क्या करा हो, या फिर वो पर्सन कहते हैं आर्म फोर्सेज वगैरह में हो, तो वो आर्म फोर्सेज में हो और उसको कहते हैं अपने बच्चे के लिए चाहिए था, तो वो 3 साल के लिए उसके ना कर रहा हो, या उसको रिपेयर के लिए यूज़ करा था, उसने एविक्ट करवाया था पर उसने क्या करा किसी और को फर्दर रेंट के पे चढ़ा दी। तो यहाँ पे क्या है कि जो कहते हैं टेनेंट है वो अप्लाई कर सकता है कंट्रोलर के पास कि सर मेरे को कहते हैं दोबारा इस बिल्डिंग में वापस रहना है, तो मुझे दोबारा टेनेंसी पे आप दिलाओ। तो वो लैंड जो कंट्रोलर है वो ऐसा ऑर्डर कर सकता है इसको लैंडलॉर्ड को। उसके बाद अगर बाई चांस जो एप्लीकेशन यहाँ पे उसको फ्रिवलियस लगी, वैक्सीशियस लगी, अभी गलत है, तो यहाँ पे कंट्रोलर है ना तो 500 रुपये का फाइन लगा सकता है उस पर्सन पे। वैसे तो 1000 रुपीज़ फाइन चल रहा है तब से, पर यहाँ पे 500 फाइन है। उसके बाद है सेक्शन 13A। तो ये क्या है कि स्पेशल प्रोसीजर है जो गवर्नमेंट सर्वेंट या आर्म फोर्सेज के पर्सन के लिए, जब उनको अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो लैंड चाहिए होता है या रेंटेड बिल्डिंग चाहिए होती है, तो उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन बना दी है तो 13B, पर इसमें क्या खास बात है कि उसमें जो उसमें था कि कहते हैं प्रॉपर एक केस चलेगा उसको कॉज शो करना पड़ेगा, पर यहाँ पे क्या है कि अगर ये दिखा दे कि मैं रिटायर हो गया या होने वाला हूँ, अब मेरे को अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, उसने जस्ट एप्लीकेशन डाली लैंडलॉर्ड ने, तो क्या होगा कि समन जाएंगे किसके पास, टेनेंट के पास, और टेनेंट को क्या होगा कि बाय एफिडेविट ये प्रूव करना पड़ेगा जी ये वाले ग्राउंड ने, उसे एक्स्ट्रा कोई ग्राउंड नहीं मांग सकता हो, सिर्फ ये वाले, अगर उसने नहीं किया, अगर रिप्लाई नहीं करा तो डीम मान लिया जाएगा कि इसके पास नोटिस है और इसने मान लिया और उसको एविक्ट कर देंगे। अगर उसने कहते हैं दिया भी तो सिर्फ क्या ग्राउंड पे कंटेस्ट कर सकता है वो, सिर्फ ये ग्राउंड है जी ये रिटायर नहीं हुआ या इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं चाहिए, तो ये चीज़ है, और एक्स्ट्रा कोई उसमें वो कंटेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमें ये है कि हम उनको भी प्रोटेक्ट करना है, बाई चांस किसी को अपना घर देंगे और बाद में वो आए और उनके बाद वहाँ जो टेनेंट है वो कब्जा कर ले, तो इससे अभी अनऑथराइज पोजेशन से हमें उसको बचाना है। तो इसका क्या है कि यहाँ पे जो कंट्रोलर है ना स्मॉल कोज कोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और यह इसकी है ना कोई अपील नहीं है ना ही सेकंड अपील है, बस एक रिवीजन डल सकती है, वो किस पे डलेगी, हाई कोर्ट पे। उसके बाद है हमारा सेक्शन 14। जो सेक्शन 13A था हमारा, ये इंसर्ट हुआ था 1986 में, ठीक। उसके बाद है सेक्शन 14। जो भी डिसीजन लिया है ये कहते हैं द कंट्रोलर शाल समरली रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन अंडर क्लोज 2-3 ऑफ सेक्शन 13 विच रेज सब्सटेंशियली इशू एज हैव बीन फाइनली डिस। अगर बाई चांस उसको कंट्रोलर को लगा ये जो डिसीजन है ये पहले भी कहते हैं डिसाइड हो चुका है, एक तो फॉल्ट ग्राउंड या फिर कहते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, अगर यहाँ पे अगर वो चाहिए थी उसको एविक्शन करवाना था, अगर कहते हैं कंट्रोलर को पता चल गया कि ये चीज़ है ना पहले ही डिसाइड हो चुका है इशू किसी कोर्ट में या कहीं पहले, तो काइंड ऑफ रेजुडिकाटा वाली बात है, तो यहाँ पे कहते हैं समरली रिजेक्ट कर देगा उस एप्लीकेशन को। अब क्या है सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या बोलता है, अपील एंड रिविजनल अथॉरिटी बता रहे हैं, तो यहाँ पे जो सेक्शन 15 है अपील एंड रिविजनल उसके बारे में बता रहा है। तो बोलते हैं कोई भी है ना स्टेट गवर्नमेंट जर्नल या स्पेशल ऑर्डर ये नोटिफिकेशन के थ्रू है ना वो अपील एंड अथॉरिटी डिसाइड कर देगा इसकी, ये है। अब कंट्रोलर तो पता है सबसे पहली एप्लीकेशन किसके पास जाएगी, कंट्रोलर के पास, ठीक है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट ही कंट्रोलर को कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। अपील एंड अथॉरिटी कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट।
और जो भी अपील होगी ना कंट्रोलर की वो जाएगी 30 डेज के अंदर। अच्छा, और फिर वही लिमिटेशन वाली बात है कि अगर जितने में उसको सर्टिफाइड कॉपी मिली है तो एक्सक्लूड हो जाएंगे 30 डेज में से। और जो हाई कोर्ट में जो कहते हैं रिविजन डलेगी तो वो डलेगी 90 डेज के अंदर। तो अपील डलेगी 30 डेज का लिमिटेशन है और इसकी कितनी है 90 डेज है। उसके बाद है सेक्शन 16, तो पावर टू एनफोर्स अटेंडेंस। तो अब क्या है कि उनके पास है ना, जो कंट्रोलर के पास है पावर है, दे कैन एक्ट एज लाइक अ सिविल कोर्ट। तो वो समन कर सकती है, जैसे ही एक सिविल कोर्ट किसी को किसी पावर एनफोर्स करवा सकती है, अटेंडेंस एनफोर्स करवा सकती है, वही सेम पावर कंट्रोलर के पास है। तो एक सिविल कोर्ट की तरह ही मानेंगे इसकी जो समनिंग पावर है। उसके बाद है कोस्ट, सेक्शन 17 बताता है कोस्ट के बारे में। जो जो भी एप्लीकेशन होगी, जो भी उसकी प्रोसीडिंग होगी, उसमें कोस्ट लगेगी, हर उससे कोस्ट निकलेगी। और बाई चांस कोस्ट ना लगे तो उसको स्पेसिफिकली रीजन देनी पड़ेगी कंट्रोलर को कि कोस्ट इस केस में क्यों नहीं लग रही है। उसके बाद क्या है, और ये जो सारी ज्यूरिडिक्शन है सारी, मतलब कंट्रोलर के पास भी है, अपीलेंट ज्यूरिडिक्शन कोर्ट के पास भी है, और हाई कोर्ट के पास भी है कोस्ट लगाने की। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, अब ये जो ऑर्डर है ये एग्जीक्यूट किसके थ्रू होगी, इनकी एग्जीक्यूशन होगी सिविल कोर्ट के अंदर होगी। जैसे कि वो डिक्री है या कहते हैं ऑर्डर है बाय पास्ड बाय एनी अदर सिविल कोर्ट, ठीक है। उसके बाद है इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1 ईयर्स रेंट ऑफ ए बिल्डिंग और रेंटेड लैंड प्रोसीडिंग द डेट ऑफ द शैल बी द, जो अब 1 साल का जो रेंट है उस बिल्डिंग का, वो ज्यूरिस्डिक्शनल हम वैल्यू देखेंगे कि किस सिविल कोर्ट में हम देखेंगे। तो पिक्यूनरी जो ज्यूरिस्डिक्शन होगी वो 1 साल का रेंट का हम टोटल देखेंगे। उसके बाद है इंस्टीट्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन। तो सेक्शन बोलता है कि जहाँ पे है ना एक या एक से ज़्यादा कंट्रोलर हैं एक ही प्लेस पे, या एक से ज़्यादा अपीलेट अथॉरिटी एक ही प्लेस पे, तो उस पे होगा कि जो ऑथराइज है आप उसी के पास जाके केस डालोगे। अच्छा, अगर बाई चांस उस कंट्रोलर को लगा भी कहते हैं हाँ ये मेरे को ही अथॉरिटी है, तो खुद ट्राई कर लेगा, वरना वो मेक ओवर कर देगा दूसरे कंट्रोलर को जिसके पास अथॉरिटी है इसको डिसाइड करने की। अब क्या है कि पावर टू ट्रांसफर प्रोसीडिंग। तो अब यहाँ पे क्या है कि हाई कोर्ट के पास पावर है प्रोसीडिंग ट्रांसफर करने की फ्रॉम वन अपीलेट अथॉरिटी टू अनदर, और जो कहते हैं अपीलेट अथॉरिटी के पास पावर है कि ट्रांसफर करना एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर के पास। तो मतलब क्या है कि जो उनकी अपीलेट अथॉरिटी है, जो उनसे अपर अथॉरिटी है, उसके पास पावर है कि नीचे वालियों की जो केस है उसको ट्रांसफर करने की, इस कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर, अपीलेट अथॉरिटी से ऊपर है हाई कोर्ट, तो इस अपीलेट अथॉरिटी से उस अपीलेट अथॉरिटी कौन करेगा, हाई कोर्ट कर देगा। उसके बाद है सेक्शन 20A, ये किससे हुआ था, 1978 की एक्ट से आया था ये। ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग एंड फाइलिंग ऑफ अपील्स एंड रिवीजन अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ द सबॉर्डिनेट एंड डिस्ट्रिक्ट जज। तो जो ये पुरानी उसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे कि जो भी जो पहले प्रोसीडिंग चली हुई थी इस एक्ट से पहले, अगर वो कहते हैं जो अपील थी, अपील सारी हाई कोर्ट में चली, अपील या जो रिवीजन थी जो हाई कोर्ट में चली जाएगी, और जो नॉर्मल जो प्रोसीडिंग तो कहते हैं कंट्रोलर के पास चली जाएगी। उसके बाद है लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट टू फर्निश पर्टिकुलर्स। तो सेक्शन 21 क्या बोलता है कि जब भी वो कुछ करेंगे, मतलब जो भी अपनी एप्लीकेशन देंगे वो, ठीक है, तो वो कंट्रोलर को फर्निश करेंगे। अच्छा, क्या क्या जो भी पर्टिकुलर जरूरी है उस रेंटेड बिल्डिंग से, या बिल्डिंग से, या कहते रेंटेड लैंड का जो भी पर्टिकुलर है बताने पड़ेंगे किसको, कंट्रोलर को। अगर वो नहीं बताएंगे तो सेक्शन 22 क्या बोलता है, इसको 1000 रुपीज़ फाइन मिलेगा। तो अगर हम देखें शुरू से लेकर आखिरी तक 1000 रुपीज़ फाइन चल रहा है, बस एक जगह 500 रुपीज़ फाइन आया था, वो है सेक्शन 13। उसके बाद हमारा पेनल्टी सेक्शन, जो ये बार बार मैं फाइन और पेनल्टीज बोल रहा हूँ, तो ये कहाँ पे दी हुई है, सेक्शन 22 में दी हुई है पेनल्टीज। तो ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन है जो कॉन्ट्रवीन कर रहा है प्रोविजन, जो सेक्शन 8 है, 10 है, 11 है, 21 है, तो उसका 1000 रुपीज़ फाइन होगा। और जहाँ पे उस कहते हैं कॉन्ट्रवीन कर रहा है सेक्शन 6A है उसका, तो उसकी पनिशमेंट कितनी है, 2 ईयर्स और फाइन और बोथ। और कोई भी कोर्ट है ना कोग्निजेंस नहीं लेगी ऑफेंस के इसके अंडर जहाँ पे कंप्लेंट राइटिंग में नहीं दी हो, जो और साथ में सेंक्शन किसका था, कंट्रोलर का, या रिपोर्ट हुई है जो स्पेशल कहते हैं कंट्रोलर ने, मतलब क्या है कि तुमने कंप्लेंट करी और सेंक्शन किसने दे दिया, कंट्रोलर ने, या फिर कहते हैं या कंट्रोलर ने क्या करा है, खुद कहते हैं एक रिपोर्ट दी है। अब पावर टू मेक रूल्स, अब पावर टू मेक रूल्स किसकी है, गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ही वो कंट्रोलर अपॉइंट करेगी, गवर्नमेंट ही क्या करेगी हमारा
रूल बनाएगी और गवर्नमेंट ही हमारी अपील एंड अथॉरिटी डिसाइड करेगी। और जो लास्ट सेक्शन हमारा सेक्शन 24 है रिपील्स के बारे में बताता है कि जो इससे पिछली एक्ट है जैसे ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1949 जो ये है अब ये रिपील हो गया, अब ये नई एक्ट लगी है। उसके बाद स्केड्यूल है, स्केड्यूल बताता है कि कहते हैं टेनेंट में कौन कौन आएगा, तो जो सेक्शन 2H है तो उसमें सन होगा, डॉटर होगी, विडो होगी, फादर होगी, मदर होगी, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, सन, मतलब ये ऐसे चलता जाएगा, सन ऑफ प्री डिसीजन, अनमैरिड डॉटर ऑफ प्री डिसीजन, विडो प्री डिसीजन, विडो ऑफ प्री डिसीजन, सन ऑफ प्री डिसीजन। उसके बाद है इसी स्केड्यूल में फॉर्म बता रखा है, फॉर्म किस चीज़ का कि कैसे आप एविक्शन के लिए फाइल करोगे। तो जो सेक्शन 13 ए है जो कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट या उनके लिए है, आर्मी वालों के लिए थी, आर्म फोर्सेस के लिए, तो वो कैसे एविक्शन की एप्लीकेशन फाइल करेंगे वो इसमें दिया हुआ है। ये हमारी पूरी एक्ट थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और क्या है, इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देख लोगे और साथ में अपनी बेयर एक्ट खोल लोगे तो ये मोर देन नेसेसरी है आपके लिए इसको वो पढ़ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।